नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो पहलवान अपनी नौकरी पर लौट चुके हैं, हालांकि उन्होंने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग अभी छोड़ी नहीं है, आंदोलन को नहीं छोड़ा है। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, इन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है कि आंदोलन वापस नहीं हुआ है। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी पहलवानों की, और इसमें एक समझौता हुआ है। जो बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, उनकी मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बृहस्पतिकार हमारे पीछे। संजीव जी, रातों रात एक मीटिंग होती है जिसकी खबर बड़ी देर से आती है, और उसके बाद ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कि अब नौकरी पर वापस चल रहे हैं, और तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आंदोलन खत्म हो गया। हालांकि उसका जवाब दिया जाता है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, उसका स्वरूप अब शायद बदला हुआ नजर आए। तो ये मीटिंग जो हुई है, इसी ने सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि अभी तक हमने देखा जंतर मंतर पर लाठियां भी खाई और धूप में बरसात में डटे रहे, और अब अचानक से जो है ये डाइल्यूशन कि हम नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं और इधर जो है आंदोलन भी जारी है। कुछ मीटिंग में हुआ है समझौता, क्या बात हुई है? हुआ यूं कि रविवार को सोनीपत में एक पंचायत बुलाई गई थी, सर्वखाप पंचायत, जो कि भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई थी, चढ़ुनी ग्रुप ने। इसके पहले आपने देखा था कुरुक्षेत्र, और उसके पहले शामली, और उसके पहले मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत लगातार बुलाई जा रही थी। 1 जून 2 जून 3 जून 4 जून लगातार ये महापंचायत किसानों की बुलाई जा रही थी, खापों की बुलाई जा रही थी, जिसमें कि किसान और जो खाप वाले हैं वो पहलवानों के समर्थन में हैं, इसका धम भरा जा रहा था। तो हुआ यूं कि जब सोनीपत वाली पंचायत हुई रविवार को, तो अचानक उसमें बजरंग पुनिया खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखिए, कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, कोई भी बड़ा फैसला हमसे मुतल्लिक आप मत लीजिए, आप लोग कोई भी ऐसा फैसला जो हमसे जुड़ा हुआ है वो हम अपनी पंचायत बुलाएंगे और आप सबों को आमंत्रित करेंगे, उसमें लिया जाएगा। तो उस वक्त पहली दफ़ा लगा लोगों को कि ये नई बात कैसे आ गई, क्योंकि उन्होंने तो खुद बुलाया था। तो फिर सारे खाप पंचायत और समर्थक और किसान जमा होने शुरू हुए थे, चाहे वो जंतर मंतर हो या फिर इस तरह की बैठकें हों। फिर उनसे ये प्रश्न, चूँकि हवा में ये खबर आ गई थी, तो प्रश्न ये पूछा गया कि आप की मुलाकात गृह मंत्री से हुई है क्या? तो इस पर उन्होंने पहली दफ़ा मना कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जब बार बार पूछा गया तो वो खामोश हो गए, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया बजरंग पूनिया ने। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से फिर विभिन्न समाचार माध्यमों से ये खबर सामने आ गई कि दरअसल एक मुलाकात शनिवार को हुई थी, और बजरंग पूनिया का जो बयान था कि आप लोग कोई फैसला मत लीजिए, दरअसल हम फैसला लेंगे, ये उसी मीटिंग का असर था। असमंजस की स्थिति में थे बजरंग पूनिया की, बताएं कि ना बताएं, एकदम से पूछ लिया गया। और इस बैठक में क्या हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा जानकारी निकल के आई नहीं है सामने कि क्या हुआ है, लेकिन इनसाइड स्टोरी हम क्योंकि शो कर रहे हैं, अब बताना तो दर्शकों को पड़ेगा ही। जहाँ बैठक में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ये तीनों थे, और गृह मंत्री देश के अमित शाह, उसके अलावा कुछ और पहलवान भी मौजूद थे। और ये बैठक आधी रात के बाद तक चलती रही, देर रात शुरू हुई थी गृहमंत्री के निवास पर और आधी रात के बाद भी चलती रही। और जो जानकारी पहुंची है हम तक, वो यही है कि बहुत ही गंभीरता से गृहमंत्री ने सभी पहलवानों की बातें सुनी, और सबों को अपनी अपनी कहानी कहनी थी। उन कहानियों में एक बड़ा हिस्सा तो इस बात को लेकर था कि चिकित्सा से बदसलूकी हुई 28 तारीख को, वो मेडल विनर्स हैं और उनके साथ इस तरह से व्यवहार हुआ। उसके अलावा जो उनका मूल
जो कह सकते हैं कि जो शिकायत है उनकी, वो फिर से कहा गया कि 2 FIR है, 10 कंप्लेंट हैं और कोई एक्शन नहीं है। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें लगातार 2011 से जो आधिपत्य एक व्यक्ति का है वो कब ख़त्म होगा, क्या ये सही है? तो ये ऐसे प्रश्न थे जो लगातार उठाए जा रहे थे पहलवानों के द्वारा जंतर मंतर से। और जंतर मंतर पर हुई कार्रवाई की शिकायत अमित शाह से इसलिए लाजमी थी क्योंकि दिल्ली की पुलिस तो उन्हीं के निगरानी में काम करती है, वो गृह मंत्री हैं और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो पहलवानों का कहना है कि कोई बहुत हमें संतोषजनक कोई प्रतिक्रिया दे दी हो अमित शाह ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप इस बात को ऐसे समझिए कि गृह मंत्री अगर पहलवानों से, जंतर मंतर पर बहुत से लोग प्रोटेस्ट करते हैं और पहलवान कोई सामान्य लोग तो हैं नहीं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनसे मुलाकात किया उसी प्रोटेस्ट के आधार पर, और गृह मंत्री ने कोई भले ही आश्वासन उस वक्त नहीं दिया लेकिन उस मुलाकात ने कुछ चीज़ें तय कर दी हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार पहलवानों से कहा गया है कि आप चार्जशीट का इंतज़ार करिए, वो जल्द जमा करा दी जाएगी। चार्जशीट जैसे ही दायर होगा, क्योंकि पुलिस अनुसंधान करेगी और उसके बाद फिर चार्जशीट करेगी, सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद FIR हुआ है, तो चार्जशीट जैसे ही दाखिल होगा हम कार्रवाई करेंगे। चार्जशीट के बिना कार्रवाई कैसे, क्योंकि जो अनुसंधान है वो चल रहा है। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं लेकिन वो अब मुश्किलों के दायरे से बाहर नहीं है, चार्जशीट का इंतज़ार किया जा रहा है। हालांकि छन के खबरें तो ये भी आ रही थी कि दिल्ली पुलिस जो है वो अभी तक कोई ऐसा सबूत, गवाह, मतलब कि क्योंकि अब आरोप लगे हैं तो कुछ पाए ऐसा जिससे उनको गिरफ्तार किया जाए या तमाम चीज़ें की जाएं, वो कुछ मिला नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। देखिए, पॉस्को एक्ट और जो इस तरह के मामले होते हैं छेड़खानी के, उसमें पहले कोई सबूत खोजने के बाद गिरफ्तारी होती है, ऐसा नहीं होता है। तो पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, ये तो वही तो सवालों के घेरे में बात है। वो तो बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के ऊपर। सामान्य आदमी को तो आप समय लेते नहीं हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि जो एक्ट होता है उसके आधार पर धाराएं बनी हुई हैं, तो कहीं भी कोई शिकायत में कोई गंभीर एक्ट की बात नहीं की गई है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कर दिया वो। हाँ, उन्होंने जो किया है वो भी कानूनी दायरे में आता है और उसके लिए भी सेक्शन 10 है शायद, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए तहकीकात के बाद गिरफ्तारी करके केस को पुख्ता किया गया है, कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग दी गई है पहलवानों को, जिससे पहलवान संतुष्ट हुए। दूसरा मुद्दा था कि भाई रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें अब कोई व्यक्ति जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, प्रभावशाली हैं, उनकी तरफ से नहीं आना चाहिए। तो इसको कमोबेश मान लिया गया इस बात को कि एक व्यक्ति का, वैसे भी 12 साल उनका पूरा हो गया था तो उसके अब वो आ नहीं सकते थे। लेकिन क्या होता है कि प्रॉक्सी से किसी अपने आदमी को बनवा करके वो अपना, कहा जा रहा था कि वो अपने बेटे को लाना चाहते हैं, तो वो जो संभावना है उसको खारिज किया गया कि ऐसा नहीं होगा। और ये बहुत प्रोफेशनल बात भी है, होना भी यही चाहिए। और उसके बाद अपील की गई पहलवानों से कि देखिए, देश में रेल हादसा हुआ है और आप लोग रेलवे के कर्मचारी हैं, खासतौर पर बजरंग और साक्षी मलिक, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है जिसका असर हमें आज दिखा जब दोनों अधिकारी हैं और दोनों उत्तर रेलवे में हैं तो वो अपने अपने दफ्तरों में नजर आए। यानी कि सरकार ने भी कोई पहले जो एकदम बात नहीं करने की मुद्रा अपनाई हुई थी उससे वो उसने थोड़ा क्लाइम डाउन किया हरिद्वार वाली घटना के बाद, जैसी कि हम लोगों ने बातचीत भी की थी। अमित शाह उस वक्त मणिपुर में थे और मणिपुर से उनकी वापसी के साथ ही, और 5 दिन का समय लिया गया था। सरकार के झुकाव की क्या एक वजह, टिकैत साहब भी हैं क्या बीच में, टिकैत साहब का कोई
कुछ रोल है? क्योंकि जब हमने देखा मेडल्स बहाने जा रहे थे गंगा में पहलवान, तो टिकैत साहब वहाँ पे आ गए और उन्होंने बीच में मेडल्स ले लिए और कहा कि 5 दिन का समय हमें दीजिए, और इन 5 दिनों में ही ये बातचीत भी हुई, गुपचुप तरीके से हुई ये बातचीत भी हुई और फिर पटरी पे चीज़ें आने शुरू हो गई। तो क्या बीच में टिकैत साहब हैं, उनकी कोई भूमिका नज़र आती है? अब देखिए, इसकी भी एक अजीब कहानी है कि पहलवान बहुत परेशान हो गए थे। क्या है कि किसान आंदोलन के बाद जो किसान हैं वो दो गुटों में बट गए हैं। एक गुट है टिकैत ग्रुप और एक गुट है चढ़ुनी ग्रुप। एक गुट है जो उत्तर प्रदेश गुट है, एक है हरियाणा पंजाब गुट। तो कभी इसकी खाप की बैठक हो रही है, कभी उसकी खाप की बैठक हो रही है, कभी दोनों के एक साथ बैठक नहीं हो पाई, और सभी में पहलवानों से आग्रह किया जाता था कि आप आएं। इसको लेकर के भी परेशान थे थोड़े पहलवान कि चलिए ठीक है, हमारा मामला आपने उठाया है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी झेलना पड़ रहा है, हमारा ये मैंडेट नहीं है, हमें ये सब नहीं करना है कि हम किसकी तरफ है, कौन से गुट की तरफ हैं। अब उसमें एक संदर्भ आया कि जो लेस पॉपुलर टिकैत हैं, राकेश टिकैत तो सब जानते हैं, नरेश टिकैत सामने आए, वही अध्यक्ष हैं, तो वो सामने आए और उन्होंने कहा कि 5 दिन का समय दीजिए। तो ये संभव है कि बस उस शाम विशेष या उस दिन विशेष के लिए उनको किसी ने चुना होगा, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उनको ये महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने का जिम्मा मिला और वो 6 बजे पहुंच करके उन्होंने मेडल को बहाए जाने से रोक लिया, और फिर वो जो 5 दिन का उन्होंने समय लिया, वो 5 दिन जो है बड़े निर्णायक साबित हुए। पर एक और बात कही जाती है हिमांशु के, दरअसल पीछे हटने की बात नहीं है, दरअसल होता है कि एक आंदोलन की अपनी एक सीमा होती है। गांधी जी भी इस बात को जानते थे और इसीलिए बहुत जब पीक पे चढ़ जाता था कोई आंदोलन और उसके दिशाहीन होने की स्थिति आती थी तो वो आंदोलन वापस ले लिया करते थे। कहा जाता है कि लोग बहुत नाराज़ हुए थे जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था, जब चौरी चौरा की घटना हो गई थी और पुलिस वालों को ही जला दिया था जिंदा एक उग्र भीड़ ने। वो समझ गए थे कि ये जो आंदोलन है वो रास्ते से बेरास्ता हो रहा है। आंदोलन की अपनी एक अवधि होती है, वो हमेशा आंदोलन को पीछे ले आते थे और फिर तैयारी करते थे और अगले आंदोलन की, उस आंदोलन से जितना मिलता था, जो अधिकार मिलते थे, उन अधिकारों का इस्तेमाल करिए और उसके आधार पर अगला आंदोलन करिए। ये जो दोनों खास तौर पर महिला पहलवान हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी ये साइकोलॉजिकली इन पर बहुत असर हुआ है 28 मई की घटना का, और आपने देखा होगा उसके बाद से वो सामने नहीं आई, जिस तरह से वो घटना घटी, कहाँ हमने उन्हें सर पे बिठाया और कहाँ ये पुलिस उन्हें घसीट घसीट करके लेके जा रही है, तो ये साइकोलॉजिकली उन्हें बहुत टॉर्मेंट किया, बहुत उन्हें आंदोलित किया, और इस कारण से वो सामने नहीं आई। वो उनके परिवार वाले उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो नहीं चाहते थे कि कुछ इस तरह का वाक्य फिर से पेश हो। बजरंग पूनिया भी पर भी असर हुई, जिस तरह से कल वो बात कर रहे थे, लेकिन वो पुरुष हैं, थोड़ा सहने की क्षमता ज्यादा है। विनेश फोगाट पे तो सबसे ज्यादा हुई, वो बिल्कुल मीडिया से बिल्कुल कट आउट हो गई है, बिल्कुल उन्होंने हाँ वो सामने भी नहीं, इस बारे में भी कोई बात नहीं, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ही आगे रहे, एक तरह से अपने आप को सेक्लूड कर लिया है बहुत, और हमें उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने पॉइंट्स जो है वो सामने रख दिए सरकार के। और इस बात को ना भूला जाए कि ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, ये दरअसल खिलाड़ी हैं और इनका काम था कि बहुत फोर्सफुली कोई बात रखना और उन्होंने रख दिया। अब देश की जनता के सामने भी बहुत प्रश्न है, सरकार क्या ऐसे लोगों का साथ दे सकती है जो भले ही सांसद हों लेकिन उनके ऊपर चार्जेस बनते हों, और अगर नहीं दे सकती है तो फिर कानून अपना काम करेगा। उसमें यही बात गृहमंत्री के साथ बैठक में भी हुई है, और सरकार को शुरुआत में ही ये करना चाहिए था। अनुराग देर आए दुरुस्त आए,
हाँ, पर मैंने देखा है कि ये तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात जो है, ये तीसरी चौथी दफ़ा हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, भूमि अधिग्रहण कानून सबसे पहले सरकार में, पहली ही सरकार में, NDA 1 में ही आया और बहुत प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद वापस लिया गया था। और उसी प्रकार जैसे किसान कानून है, कितना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और चलता रहा, और कितने लोग उस ठंड में मारे भी गए, और उसके बाद फिर वो वापस लिया गया। या फिर CA NRC का जो टेस्ट था वो भी बड़ा लंबा खींचा आपने, शाहीन बाग आपको याद होगा, उसके बाद ही वापस लिया गया। अब ये देखिए, ये प्रोटेस्ट भी, खिलाड़ियों को इस तरह से सामने आना पड़ा, दो दो बार बैठना पड़ा, और उसके बाद ही जा करके कोई एक सहमति सी बनती हुई नज़र आ रही है। किसान, मुसलमान और पहलवान सारों साथ जो है, माफ करिएगा, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है उसके बाद ही कुछ डेवलपमेंट्स या फिर चीज़ें देखने को मिली हैं, बातचीत की टेबल पर आए हैं कम से कम। हाँ, लगता यही है कि दमदार प्रोटेस्ट के बाद ही इन्हें अवसर मिला है। लेकिन उनकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से हुई है जो कि प्रभावशाली हैं। बिल्कुल। और पिछली दफ़ा जब खेल मंत्री से हुई थी तो मामला सलट जाएगा ये बहुत लग नहीं रहा था, क्योंकि बड़े प्रभावशाली सांसद कहे जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और देखिए कितने प्रभावशाली हैं, उन्होंने दिखा भी दिया। लेकिन अब चूंकि गृह मंत्री का मामला है तो गृह मंत्री सामने हैं, तो फिर जाहिर है कि जो भी वादे किए गए होंगे, और कुछ ना कुछ तो वादे किए ही गए होंगे, तभी जाकर के पहलवानों ने ये कहा कि अब हम अपनी पंचायत बुलाएंगे और काम पर अपने लौट गए वो। पर ये स्थिति आती क्यों है, ये प्रश्न तो तब भी रह ही जाता है कि आखिरकार इतना करने के बाद ये होगा क्या, ये हमेशा सवाल पूछा जाएगा। और कई संघ हैं, ये बिल्कुल कुश्ती संघ नहीं है, बहुत से संघ हैं जहाँ पर जो नॉन प्लेयर्स हैं या जिनका खेल से ताल्लुक़ नहीं है, वो भी वही सब कुछ हैं। और अगर वो हैं और मदद कर रहे हों तो बात समझ में आती है कि उनके होने से उनकी कुछ दूसरे क्वालिटीज हैं जिससे संघ बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन कई दफ़े तो वो खुद बोझ हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं। मान लीजिए कि किसी के जुड़ने से, कोई खिलाड़ी नहीं है लेकिन जुड़ता है, तो वो संघ और ग्रो कर जाता है। क्रिकेट के साथ ऐसा हुआ जगमोहन डालमिया के ज़माने से, BCCI कितना बड़ा होता चला गया, आज वर्ल्ड रिचेस्ट बॉडी हो गया वो, तो उस खेल को बहुत प्रोत्साहन मिला। और IPL के एक्सपेरिमेंट ने तो छोटे छोटे शहरों के लड़कों को इतना मौका दिया। लेकिन अब ये क्या होता है कि कुश्ती संघ में हम ही हैं और हम चाहेंगे तो तुम खेल पाओगे, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं खेल पाओगे, मंच पे ही थप्पड़ जड़ दिया। तो इस तरह के लोगों से बचने की ज़रूरत है, और ये एक लेसन जो है इस पूरे मामले में मुझे निकलता हुआ दिखता है। और कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है, ये भी प्रश्न था सरकार की तरफ से, और क्या, और राजनीति इसको ख़त्म किया जाए, ये मांग भी रखी गई थी उस मुलाकात में। तो पहलवानों ने कहा कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब मौके पर चौका लगाने वाली बात है अगर किसी ने साथ देकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है। हालांकि अब क्योंकि बातचीत हुई है तो उम्मीद ये जताई जा सकती है कि धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, और जो स्थिति पहलवानों के साथ हुई, उन्हें बैठना पड़ा, वो सब ये देश जो है डिज़र्व नहीं करता है ये सब चीज़ें। यहाँ पे बैठकर, क्योंकि हम गांधी के देश में हैं, बैठकर अहिंसा का रास्ता अपनाकर बैठकर बातचीत कर सकते हैं, सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री। जनवरी में क्यों नहीं सॉल्व हुआ था प्रश्न, तो ये भी है ना, स्पायरल आउट कैसे कर गया ये, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप बताइए, वो ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? नहीं, सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है, और बिल्कुल पूछा जाएगा ये सवाल। और वो ओवरसाइट कमेटी की जो रिपोर्ट आनी थी वो कहाँ चली गई? जो कमेटी मैरीकॉम के नेतृत्व में बनाई गई थी, रिपोर्ट कहाँ है? जो PT उषा के नेतृत्व में आई थी, वो सब कहाँ है? वो सब देखिए, डेस्परेट अगर कोई होता है तो उसकी वजह होती हैं। और ये मैं याद करता हूँ तो जनवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ था। दूसरी बार जरूरी है कि कोई अगर पॉलिटिशियन नहीं है, देखिए पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके पास अपनी एक कला होती है आंदोलन को चलाने की, जैसे कि किसान आंदोलन में हम लोगों ने देखा वो किस तरह से चलाते हैं अपना आंदोलन। चलाने का उनका एक स्टाइल होता है, उनका सप्लाई लाइन होता है, और वो, लेकिन ये तो खिलाड़ी थे ना, ये तो खिलाड़ी थे, और खिलाड़ियों को खिलाड़ियों की तरह ही समझिए। ये ज़रूरी है
राजनीतिज्ञ इसमें से मत बनाइए, ये कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। और राजनीतिज्ञों के साथ जिस तरह से आपका रुख है, क्योंकि वो आपके पॉलिटिकली आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन खिलाड़ियों में चार चार महीने बीत गए और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो खेल मंत्रालय और रेसलिंग फेडरेशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो ये तमाम जो है ना, इनका इनका भूमिका इनकी भूमिका जो थी ना, वो तो थोड़ी संदिग्ध हमेशा मानी जाएगी। हालांकि गिरफ्तारी की मांग क्योंकि की गई है पहलवानों की तरफ से, और वो लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, तो अब दो चार दिन एक हफ्ता देखना पड़ेगा कि इसका स्वरूप क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि अभी तक तो बड़ा उग्र और तरीके से था कि हम नहीं, हम धरने पर बैठे रहेंगे, हम आमरण अनशन कर देंगे। अब देखना होगा कि इसका स्वरूप क्या होता है। हमारे दर्शक भी बताएं उनको क्या लगता है, ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि पहलवान नौकरी पर वापस लौटे हैं, अपनी जो जॉब उनको रेलवे में मिली है उस पर वापस लौटे हैं, और इसके साथ ही जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है, तो इसको देखकर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।